हेलो एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं HPSL यूट्यूब चैनल और टिक्कर प्रीमियर लीग का ये फाइनल मुकाबला आप सभी के सामने होने जा रहा है धर्मपुर और मस्त बॉय मोगड़ा के बीच। तो कहीं जाइए नहीं, इस मैच को एंजॉय कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे इस चैनल पर। हम और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ क्रिकेट मैच के आपके लिए लेकर आएँगे। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने आई है धर्मपुर की टीम। 10-10 ओवर का ये मुकाबला। पारी का पहला ओवर लेकर आए हैं मुकेश, सामने है हरीश। वहां पर काफी बढ़िया गेंद, नीचे रहता गेंद, एक रन की प्राप्ति और वहां पर आसानी से दो रन पूरे किए हरीश ने। बाई के रूप में वहां पर दो मुकेश, अगले मर्तबा फिर से चले पार को क्या पार, और वहां पर एक कैच का चांस जरूर बना था लेकिन कीपर चूके। धन्यवाद मुकेश, अगली मौका फिर से सामने नरेश ने, इसलिए गेंद वहां पर खेल दिया उसे, खिलाड़ी बॉल के नीचे पर खिलाड़ी बन गया दर्शक, मिलेंगे पूरे 6 रन। अवल दर्जे के बल्लेबाज मौजूद मुकेश, अगली मौका फिर से चलेंगे, सामने है नरेश, ये गेंद वहां पर फिर से खेला, वहां पर हल्का सा कैच का चांस लेकिन मिस फील्ड, वहां पर 4 रन वहां पर। तो वहां पर दिशा से बच के मुकेश, खिलाड़ी से दूर रखने का प्रयास मुकेश, अगले मरतबा फिर से अंपायर को पार किया, ये गेंद नरेश के लिए वहां पर खेल दिया वो थर्ड मैन की दिशा में, कार्तिक द्वारा वहां पर काफी बड़ा क्षेत्र रक्षण मिलेगा, मात्र 1 रन। ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 15 रन बिना। गौरव पहली गेंद लेकर चलेंगे, सामने है नरेश, लंबा रन अब दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया, पहली गेंद वहां पर काफी बढ़िया गेंद, रक्षात्मक तरीके से खेला, रन आउट का चांस लेकिन बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। गौरव अगले मरतबा फिर से चलेंगे, दौड़ना शुरू किया अंपायर को पार किया, सामने हरीश, वहां पर छोटा गेंद काफी दूर गेंद को खेला, वहां पर प्राप्त किए पूरे 6 रन। तो इसी तरह की बल्लेबाजी के लिए बल्लेबाज जाना जाता है, 90 रन बनाए थे उसमें हरीश ने। गौरव अगली मरतबा फिर से ये गेंद, वहां पर छोटा गेंद और काफी दूर गेंद को भेजा, सही नसीहत दी, गेंद को भेजा उसे सीमा पार 6 रनों के लिए हरीश ने। गौरव अगली मरतबा फिर से अंपायर को पार किया, ये गेंद और यहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला, पॉइंट की दिशा में मिलेगा मात्र 1 ही रन। हरीश द्वारा काफी कुछ निर्भर इस जोड़ी पर, अगर विशाल स्कोर खड़ा करना है। गौरव अगली गेंद लेकर वहां पर गति में मिश्रण किया लेकिन नो बॉल, वहां पर गति में मिश्रण करना चाहा लेकिन लाइन से जुकर फ्री हिट, वहां पर पहले फ्री हिट इस मैच की। गौरव लंबा रन अप दौड़ना शुरू किया, सामने है नरेश, ये गेंद वहां पर लेकिन काफी बढ़िया गेंद, ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 30 रन बिना किसी नुकसान के। सामने है हरीश, काफी बढ़िया बल्लेबाज वहां पर हरीश द्वारा, किशोरी पहली मरतबा चलेंगे, सामने है हरीश, दौड़ना शुरू किया, पहली गेंद हरीश के लिए वहां पर काफी बढ़िया गेंद, गेंद बल्ले का खासा गेंद बल्ले का संपर्क नहीं, लेग बाई के रूप में वहां पर 1 रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, छोर बदले, काफी बढ़िया है मैच होने की उम्मीद। किशोरी अगली मरतबा फिर से चले वहां पर, फिर से बढ़िया गेंद, लेग भी फिर की मांग लेकिन अंपायर ने ना कर, अभी तक शुरू की 2 गेंदे, हाथ खोलने का मौका नहीं दिया। किशोरी अगली मरतबा फिर से चले वहां पर, फिर से लेग विफोर की मांग लेकिन अंपायर ने नकारा, लगातार वहां पर स्टंप पर गेंदबाजी करते हुए किशोरी समझते ग्राउंड में, क्योंकि जिस तरह से पिच बना है बहुत मुश्किल होता है इस तरह की गेंदबाजी करना। किशोरी अंतिम मरतबा फिर से वहां पर लग की साइड से फ्लिक कर दिया, मिलेगा मात्र 1 रन। ओवर की समाप्ति, 3 ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 35 रन बिना किसी ने प्राप्त करते हैं। तो मुकेश पहले मरतबा चले अंपायर को पार किया, सामने नरेश, वहां पर छोटा गेंद काफी दूर गेंद को खेला लेकिन मिलेंगे मात्र 2 ही रन।
कमेटी के सदस्य से रिक्वेस्ट की। मुकेश अगली मतलब फिर से सामने नरेश वहां पर फिर से खेल रही दबड़े खिलाड़ी बॉल के नीचे और वहां पर रुकता हुआ ग्राउंड में ही गेंद मिलेगा मात्र एक ही रन। मुकेश अगली गेंद लेकर सामने हरीश वहां पर खेल दिया उसे स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ मिलेगा वहां मात्र एक ही रन। ओवर की समाप्ति चार ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 45 रन बिना की पहले मतलब चलेंगे। सामने है हरीश काफी बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। ये गेंद वहां पर गति का कैच का एक चांस लेकिन गेंद की दो खिलाड़ियों के बीच की अगली मतवा फिर से सामने नरेश ये गेंद नरेश के लिए वहां पर लंबा प्रहार कर दिया है लेकिन मिलेंगे मात्र दो ही रन। सीधे बल्ले खेलते हुए निश्चित ही 6 रन प्राप्त करते वहां पर देर रक्षात्मक तरीके से खेल रहे खराब गेंद को सही नशीले देते हुए विक्की अगली मतवा फिर से वहां पर खेल दिया उसे काफी दूर गेंद को भेजा प्राप्त कर गया था दर्जन रन। विक्की अगली गेंद लेकर फिर से दौड़ना शुरू पार को पार के यहां पर गति में गया हुआ में गेंद खिलाड़ी बल के नीचे और काफी बढ़िया कैच वहां पर पहले विकेट का पतन काफी बड़ा यह विकेट काफी फिर से सामने है प्रेम पार को पार के ये गेंद वहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला उसे मिलेगा मात्र एक ही रन। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 56 रन। पहली गेंद सामने प्रेम वहां पर काफी बढ़िया गेंद नीचा रहता गेंद गेंद बल्ले का खासा संपर्क नहीं मिलेगा मात्र एक ही रन। अब स्ट्राइक पर होंगे नरेश प्रेम को आवश्यकता की भी स्ट्राइक बदलते रहे नरेश को स्ट्राइक देते रहे क्योंकि बढ़िया बल्लेबाजी वहां पर नरेश द्वारा। किशोर अग्रिम फिर से पार को पार के आइए गेंद नरेश के लिए वहां पर लगातार बढ़िया गेंदबाजी वहां पर लेग बाई के रूप में वहां पर एक रन की प्राप्ति क्षेत्र में तब्दीली करते हुए कीपर लक्की किशोर अग्नि मरतवा फिर से अंपायर को पार किया सामने फ्रेम वहां पर नीचे रहता गेंद और क्लीन बोल्ट सीधा स्टंप्स में जा लगी गेंद। किशोर अगली गेंद लेकर काफी बढ़िया गेंद वहां पर रक्षात्मक तरीके से फिलहाल किसी तालमेल की कमी लेकिन रनआउट का चांस भी लेकिन बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित। अगली गेंद लेकर सामने है नरेश दौड़ना शुरू किया पार को पार किया ये गेंद वहां पर खेल दिया उसे सैर कराई तारामंडल की गेंद को प्राप्त की वहां पर 6 रन की बल्लेबाजी करते रहे। किशोर अगली गेंद लेकर सामने नरेश वहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला कोई रन नहीं काफी बढ़िया गेंद ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 65 रन। राजेंद्र पहली मरतबा लंबा रन वहां पर दौड़ना शुरू किया फायर को किया पार सामने है काका पहली गेंद काका की वहां पर नीचा रहता गेंद गेंद बल्ले का संपर्क नहीं डॉट गेंद। राजेंद्र अगली गेंद लेकर फिर से चले फायर को पार किया ये गेंद वहां पर खेल दिया उसे लेकिन मिलेगा मात्र एक ही रन। राजेंद्र अगली मरतबा फिर से सामने हरीश वहां पर खेल दिया उसे काफी दूर हम मिलेंगे पूरे 6 रन। तो जब जब हरीश को मौका बाकी नरेश को मौका मिल रहा है लंबे प्रहार कर रहे हैं काफी रन अर्जित कर रहे हैं। राजेंद्र अगली गेंद लेकर फिर से अंपायर को पार किया सामने नरेश वहां पर फिर से खेल दिया उसे फिर से मिलेंगे 6 रन तो काफी महंगे साबित वहां पर राजेंद्र स्कोर है 80 रन 7 ओवर 80 रन मात्र एक विकेट के नुकसान पर 2 विकेटों के नुकसान पर तो काफी बढ़िया बल्लेबाजी 7 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 80 रन। इस पारी की 18 गेंदें फेंकी जानी शेष वहां पर क्षेत्र में थोड़ी सी तब्दीली लगता है कि ऑफ स्टंप पे ही सारी गेंदें करेंगे। विक्की पहली गेंद लेकर चले अंपायर को पार किया सामने काका वहां पर काफी बढ़िया गेंद करे अब विक्की अगली मरतबा फिर से अंपायर को पार किया ये गेंद
वहां पर समझ नहीं पाए। क्लीन बॉल। तीसरी मरतबा फिर से विकी अंपायर को क्या पा रही है गेंद में, लेकिन वहां पर नो बॉल, फ्री हिट वहां पर जा सकता है। विकी फ्री हिट गेंद सामने धर्मेंद्र अंपायर को पार किया, ये गेंद वहां पर गति में मिश्रण किया जाहिर किया, लेकिन सीधा खेला खिलाड़ियों के हाथ में, हल्का सा रन आउट का चांस भी था लेकिन तो गलत दिशा में। विकी की अगली गेंद सामने है नरेश, ये गेंद वहां पर हवा में खेला पर खिलाड़ी से दूर, मिलेगा एक रन ओवर की हुई समाप्ति। आठ ओवर की समाप्ति पे स्कोर 86 रन, ये काफी रन अर्जित करे गौरव। अगली गेंद लेकर चले, ये गेंद वहां पर खेला उसे मिलेंगे वहां पर दो रन। अगली मरतबा फिर से ये गेंद निष्क्रिय, वहां पर निशा रहता गेंद स्टंप आउट की मांग, और वहां पर एक और विकेट का पतन होने काफी बढ़ाया हो विकेट। गौरव अगली मरतबा फिर से सामने है, तीन आठ नंबर जर्सी पहने वहां पर लगातार बढ़िया गेंदबाजी, वहां पर फिर से डॉट गेंद ओवर की समाप्ति। नौ ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 89 रन, तो एक ओवर शेष अभी इस इनिंग में। पारी की छह गेंदें शेष, टीम और अपने कोटे का भी अंतिम ओवर लेकर आए हैं राजेंद्र, सामने है धर्मेंद्र। अंपायर ने दी अनुमति वहां पर राजेंद्र चले, ये गेंद वहां पर धर्मेंद्र के लिए काफी बढ़िया गेंद, खेला पॉइंट की दिशा में रन आउट का भी चांस, तालमेल खेल की थी कमी, और वहां पर भले ही तालमेल की कमी थी रन आउट का चांस था लेकिन लकी चुके राजेंद्र। अगली मरतबा फिर से टीनू के लिए वहां पर राजेंद्र, अगली मरतबा फिर से टीनू के लिए ये गेंद, खेलना चाहते थे लेकिन चुके, बाइक रूम में रन की प्राप्ति, दूसरे के लिए भी पलटे लेकिन साथ खिलाड़ी ने नकारा वहां पर बाइक रूम। राजेंद्र अगली गेंद लेकर वहां पर लंबा प्रहार करना चाहते थे, ग्रीन से काफी आगे निकल चुके थे राजेंद्र, अगली मरतबा फिर से चले, खेल दिया उसे काफी दूर, गेंद को भेजा लेकिन उस दिशा में भेजा जहां मिलेंगे मात्र दो ही रन। चले सामने पुष्पेंद्र, ये गेंद वहां पर लंबे प्रहार का प्रयास लेकिन चुके, ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति पे धर्मपुर की टीम ने बनाए हैं 93, तो 94 रनों का यहाँ टारगेट रखा है। वहाँ पर काफी रन अर्जित किए थे। मोगड़ा की टीम के लिए तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे इस चैनल पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले, बने रहिए इस चैनल पे। 94 रनों का पीछा करती हुई मस्त बॉय मोगड़ा की टीम के सलामी अंपायर को क्या पार, वहाँ पर खेला उसे खिलाड़ी बॉल के नीचे, मिलेगा मात्र एक ही रन। मोगड़ा पुष्पेंद्र अगली मरतबा फिर से सामने है लक्की, ये गेंद काफी बढ़िया गेंद नहीं चाहता था, गेंद गेंद वाले का संपर्क नहीं, बाइक रूम एक रन की प्राप्ति और मिलेगा भी एक ही रन। वहां पर हल्का सा खराब थ्रो लेकिन काफी बढ़िया क्षेत्ररक्षण, तो काफी बढ़िया हो मैच होने की उम्मीद। पुष्पेंद्र अगली मरतबा फिर से सामने दिवांश, वहां पर खेल दिया उसे काफी दूर, गेंद को भेजा, प्राप्त करेंगे 6 रन। पुष्पेंद्र अगली मरतबा फिर से अंपायर को पार किया सामने दिवांश, वहां पर काफी बढ़िया गेंद, लंबा प्रहार करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले का कोई संपर्क नहीं। अगली मरतबा फिर से चलेंगे सामने दिवांश, ये गेंद खेला उसे कैच का एक चांस, और वहां पर काफी बढ़िया कैच, पहला विकेट काफी बढ़िया कैच लकी। पुष्पेंद्र अगली मरतबा फिर से चलेंगे सामने है बॉबी, अगली मरतबा फिर से चले, ये गेंद वहां पर फ्लिक किया है उसके लेग अंपायर के ऊपर से, 4 रन आसानी से शायद मिल जाएंगे वहां पर। खिलाड़ी भाई एक रिपोर्ट बता दे, दर्जे का हक गेंदबाज आवश्यकता इस वक्त अच्छी गेंदबाजी की। प्रेम पहली गेंद लेकर चले सामने लकी, वहां पर छोटा गेंद था जब पिच गेंद, गेंद बल्ले का खासा संपर्क नहीं, मिलेगा मात्र एक ही रन।
अगली मरतबा फिर से चले ये गेंद वहां पर फायर के ऊपर से चार रन आसानी से शायद मिल जाएंगे वहां पर। खिलाड़ी भाई एक रिपोर्ट बता दे अगली मरतबा फिर से चलेंगे सामने होंगे बॉबी अंपायर को किया पार और वहां पर स्लॉट में गेंद खिलाड़ी बॉल के नीचे खिलाड़ी बन गया दर्शक गेंद सीमा पार प्राप्त 6 रन। अगली मरतबा फिर से प्रेम ये गेंद फिर से खेल दिया उसे गेंद को सैर कराई तारा मंडल की गेंद को भेजा काफी दूर 6 रन हो गए अच्छा से बट के प्रेम अगली मरतबा फिर सामने लकी वहां पर खेल दिया उसे खिलाड़ी बॉल के नीचे कैच का चांस जरूर लेकिन जंप गलत समय मारा प्राप्त के 6 रन स्कोर है 34 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो शुरुआती दो ओवरों में मजबूत स्थिति में वहां पर है मस्त भाई मोगड़ा स्कोर 34 रन दो ओवर की समाप्ति पे पहले गेंद हरीश की बॉबी के लिए वहां पर खेल दिया उसे स्लॉट में गेंद था गेंद को भेजा काफी दूर प्राप्त की वहां पर 6 रन। हरीश की अगली गेंद लकी के लिए गेंद वहां पर स्लॉट में गया था खेला उसे अंपायर का निर्णय वहां पर है छह रन वहां पर क्योंकि सरिया में गेंद लगना शुरू किया अंपायर को क्या पारी है गेंद वहां पर रक्षात्मक तरीके से खेला रनआउट का चांस लेकिन कीपर चूके वहां पर इस मैच में पकड़ बनाई हुई वहां पर मस्त भाई मोगड़ा ने रोहित अगली गेंद लेकर सामने लकी और खेल दिया उसे खिलाड़ी बॉल के नीचे पर दो खिलाड़ियों के बीच से गेंद सीमा पार प्राप्त करेंगे वहां पर 4 रन 55 रन 4 ओवर 55 रन एक विकेट के नुकसान पर। तो धर्मपुर टीम को आवश्यकता है कि गुच्छे में विकेट हासिल करे पहली मरतबा चले अंपायर को किया पार ये गेंद सामने है बॉबी वहां पर कड़ा प्रहार कर दिया गेंद को भेजा दर्शक दीर्घा में प्राप्त की वहां पर 6 रन। अगली मरतबा फिर से खेल दिया उसे इंतजार किया गेंद को खराब गेंद सही ने से दी पुष्पेंद्र अगली गेंद लेकर चले अंपायर को क्या पार सामने है लकी है गेंद खेल दिया उसे रनआउट का चांस लेकिन बल्लेबाज क्रीज में सुरक्षित वहां पर राउंड चलेंगे इस मरतबा सामने है बॉबी ये गेंद खेल दिया उसे काफी दूर लेकिन प्राप्त करेंगे सिर्फ 2 ही रन। पुष्पेंद्र अगली गेंद लेकर सामने है बॉबी ये गेंद वहां पर इंतजार क्या गेंद का खेला पॉइंट की दिशा में प्राप्त करेंगे 2 रन। पांच ओवरों की समाप्ति पे स्कोर है 73 रन प्रेम आए है पारी का छठा ओवर लेकर पहले गेंद वहां पर कथी में मिश्रण किया लेकिन भेजा उसे 2 रनों के लिए वहां पर। डॉट बॉल खेल रहा है ना बहुत वो बैट्समैन डॉट नहीं छोड़ते बॉल प्रेम अगली बार फिर से लकी के लिए गेंद वहां पर खेला उसे खिलाड़ी बॉल के नीचे ऊपर खिलाड़ी से गेंद काफी दूर प्राप्त की वहां पर 6 रन। जीत के लिए मात्र 11 रनों की आवश्यकता रोहित पहली गेंद लेकर चले वहां पर छोटा गेंद था खेल दिया उसे काफी बढ़िया क्षेत्र रखे वहां पर जीत के लिए यहां से 8 रनों की आवश्यकता और रोहित अगली मरतबा फिर से खेला उसे लेकिन वहां पर मिलेंगे मात्र 2 ही रन। दौड़ना शुरू किया अंपायर को क्या पार ये गेंद वहां पर खेल दिया उसे सीधे बल्ले 4 रन और ओवर हल्का था मिस फील्ड जिस कारण 4 रनों की प्राप्ति। इस टूर्नामेंट में विजेता टीम बनती हुई रोहित अगली मरतबा फिर से चले अंपायर को पार किया सामने लकी वहां पर दिशा से भटके अंपायर कर घटा दोनों ही टीमों के लिए अंत में विजय प्राप्त करती वहां पर मस्त बॉल मोगड़ा फिर से दिशा इन गेंदबाजी अंपायर का निर्णय वाइट बॉल और इसी तरह मैच को जीता मस्त बॉल मोगड़ा ने पिछले टूर्नामेंट की रनर अप टीम इस बार विनर टीम तो